अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी, वो है डोसे की। तो आज मैं डोसा बना रही हूँ, तो सोचा आपसे भी रेसिपी शेयर करूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने 2 कप चावल ले लिए हैं, 1/3 कप चने की दाल है, 1/2 कप माश की दाल है और 1 टीस्पून मेथी दाना है। अब इन सबको मिक्स कर देंगे। और इसे 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, फिर इसे हम ग्लेंड करेंगे। ये देखें, ये 2 से 3 घंटे मैंने भिगो के रखा है, अब इसे हम ग्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसमें आधा डाला है, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। इसे अब ग्लेंड कर लेंगे। ये देखें, ये हो गया है बैटर। देखें कितना थिक है। हाथ से ही आप इसको मिक्स कीजिएगा, हाथ का यूज़ कीजिएगा। हाथ वॉश कर लिया, मैंने भी हाथ वॉश कर लिया है। इतना ही बैटर थिक रखिएगा शुरू में, कम से कम पानी डालिएगा। अब इसे हम 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट डे हम डोसा बनाएंगे। ये है नेक्स्ट डे, जो हमने रात में बैटर रेडी किया था, ग्राइंड किया था, वो है ये। देखें 12 से 13 घंटे हो गए हैं और ये थोड़ा डबल हो चुका है। देखें, अब इसे थोड़ी देर और छोड़ देंगे। अब हम अंदर का जो फिलिंग है वो तैयार कर लेंगे। आलू ले लिए मैंने, बॉईल कर लिए हैं, 4 से 5 आलू है, 1 छोटी प्याज है, इस तरह मैंने इसको चॉप कर लिया है, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 मैंने बड़ी थी ग्रीन चिली, ये मैंने 1 बड़ी ले ली। अगर आपके पास बड़ी नहीं है तो छोटी 2 ले लीजिएगा। कड़ी पत्ता, राई दाना 1 टीस्पून, बाकी के जो मसाले हैं वो मैं आपको बताती जाऊँगी। ऑयल डाल दिया है मैंने, इसमें मैं राय दाना डाल दूंगी। देखें, राई दाने को पहले थोड़ा सा इस तरह ये फटने लग जाए। देखें, अब कड़ी पत्ता डाल देंगे। प्याज, प्याज का
हल्का सा कलर चेंज करना है, ब्राउन नहीं करना हमने प्याज को। ये देखें प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, ग्रीन चिली, अब इसमें आलू डाल देंगे, अब इस पॉइंट में हम थोड़े मसाले ऐड कर देंगे। अगर आपको मसाले पसंद हैं तो प्लीज़ डालिएगा, नहीं तो मत डालिएगा। मैं इसमें डालूँगी हल्दी 1/2 टीस्पून, वन टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, इसे मिक्स कर लेंगे। देखें बैटर चिपक रहा है, ये आलू इसमें चिपक रहा है। अगर आपके भी आलू चिपक रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। थोड़ा सा और ऐड करूँगी मैं पानी। देखें डोसे के लिए जो हमने बैटर तैयार किया था, इसे हल्का सा हिला लेंगे। अब इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे, मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ इसमें। और देख लेंगे कि इसमें पानी की ज़रूरत है या नहीं है। देखें ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे। अभी भी गाढ़ा है, देखें अब सही है, ना ज़्यादा रनी है ना ज़्यादा थिक है। अब डोसा बना लेंगे। ये देखें ये मैंने नॉन स्टिक फ्राई पैन रखा है, अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। ये मैंने पहले रख दिया था, इसमें इस तरह पानी डालेंगे। हाँ हम इसे साफ कर देंगे, अब इसमें हम बटर डालेंगे।
मेरा फ्राई पैन छोटा है इसलिए छोटा डोसा बनेगा। अगर आपके पास बड़े हैं बड़ा तवा है तो आप उसमें बनाएं, उसमें बड़ा डोसा बनेगा। हम ऑयल डाल देंगे इस तरह। अब इसमें जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया था फिलिंग के लिए ज़्यादा आ गया, वो डाल देंगे। अब इसे हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे। अब मैं आपको दूसरा बनाना बताती हूँ। तैयार है हमारे डोसा। इसके साथ ये तीन चटनियाँ हैं। ये जो ग्रीन चटनी है जो हम घर में रेगुलरली बनाते हैं धनिया पुदीने की, और इस दो चटनी की रेसिपी मैं आपको बता दूँगी। ये है कोकोनट चटनी और ये कारा चटनी। तो इन दोनों की चटनी की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो यही है आज की रेसिपी, आज की डिश या रेसिपी जो भी आप कहें, डोसा मसाला डोसा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।